एनएक्स फैशन एंड लाइफस्टाइल अवार्ड उन लोगों के लिए है जिनके नाम बाहर नहीं आते लेकिन दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क आउट इन द मार्केट एंड सारे उमदा आर्टिस्ट हैं हर एक अलग अलग स्टाइल में तो आई एम वेरी ऑनर टू बी हियर एंड प्रेजेंटिंग दिस अवार्ड टू देम. बहुत कम जगह पे आप जाती हैं तो इस अवार्ड में क्या स्पेशल था? देखिए जहाँ पे बुलाते हैं वहाँ जाते हैं वेयर आई गेट इनवाइटेड बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ना जो अवार्ड यहाँ पे आप देने जा रहे हैं This one has won the subtitle of Mrs. India Intellectual 2018. She's in a lot of handworks from many, many brands and various fashion shows. Okay, Uta ji, सबसे पहले तो FNX Award के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Yes, FNX Fashion and Lifestyle Award जो है ये एक उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका नाम बहुत फेमस नहीं है लेकिन वो उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं सारे इंडिया के सारे कोने से आए हुए लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं कोई बैंकॉक से आ रहा है कोई कोलकाता से आ रहा है सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट टैलेंट ऑल्सो हम तो सारे फेमस लोगों का टैलेंट तो सभी को पता है बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ हिडन येट इट्स देयर एंड इट्स रनिंग द मार्केट सो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ आई एम वेरी ऑनर्ड दैट इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. या लाइफस्टाइल की बात हो रही है आप किस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं? आप लोगों को तो पता है हमारी लाइफस्टाइल बट आई ट्राई टू कीप इट एज ईजी एज पॉसिबल एंड आई लाइक टू बी सिंपल एंड जस्ट बी हैप्पी दैट्स ऑल. एंड व्हाट इज फैशन मींस टू यू? फॉर मी फैशन मींस कम्फर्ट जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ वही कपड़े मैं पहनती हूँ वही ट्रेंड्स मैं फॉलो करती हूँ तो आई डोंट ट्राई एंड गो समटाइम्स आई गेट स्लैक फॉर नॉट बीइंग दैट फैशनेबल डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सुपर मॉडल लेकिन मैं समझती हूँ कि जब हम अंदर से कम्फर्टेबल है तब हम कॉन्फिडेंस एक अलग आता है सो दैट्स माई फंडामेंटल. राइट, यहाँ पे जो है बहुत सारे यंगस्टर्स थे और मतलब जैसे आपने कहा कि जो ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन उनको अवार्ड से नवाजा गया तो आपको लगता है कि इससे उनका हौसला भी बढ़ेगा और अच्छा काम? डेफिनेटली, क्योंकि ये रोज काम कर रहे हैं उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं. सारी इंडिया की पब्लिक आर वर्किंग लाइक इन बॉम्बे यू सी देयर सो मेनी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर्स एंड डिजाइनर्स बट सबके नाम बाहर नहीं आते तो दिस इज समथिंग जो ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर देम क्योंकि फेम किसको नहीं पसंद है एंड अवार्ड्स किसको नहीं पसंद है सो दिस इज़ सम नाइस ट्रीट फॉर देम. या ओके, उनके लाइफ की ये शुरुआत है. आपकी जर्नी के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताएं आपकी जब आपने शुरुआत की थी और अब तक आप लोगों को तो सब पता है हमारी जर्नी के बारे में आप ही छापते रहते हो बट आई जस्ट टेल यू सो फ्रॉम सुपर मॉडल टू एक्टर आई एम हियर एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल सस्टेनिंग एंड सर्वाइविंग एंड हैप्पी दैट लोग अभी भी मुझे सराहते हैं हमारे काम की देखने की इच्छा रखते हैं सो दैट्स वेरी गुड फॉर मी एज एन एक्टर. एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू? एज ऑफ नाउ देयर इज झुंझुना इज कमिंग विद कृष्णा अभिषेक एज यू ऑल नो सो एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड a Tamil film so yeah work is going on. Okay. thank you. Also I would like to add this is also a charity event for underprivileged children so their organizers are helping underprivileged children through this event so I would just like you all to take a notice of all this. Sir, if you can. Thank you so much. Thank you. Thanks for coming, ma'am. Thank you. Yes, so much. Thank you. Okay, anything you want, you would like to? He's not the guy, the main guy is on the stage. Sometimes I do like to explore, sometimes I like to be a little different. I like to dabble with color, I like to dabble with different style and different cuts. And I keep changing my designer also. So, samay ke saath fashion mere liye change hota rehta hai. तो इस पर्टिकुलर अवार्ड शो की अगर बात करें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया अवार्ड देकर क्या कहना चाहेंगे सर जो मतलब गुजरात के थे मतलब अलग अलग सिटीज़ well, आई थिंक अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाता है जहाँ पे अलग अलग कलाकारों को एक यू नो अवार्ड देकर उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई फील कि इस तरह के अवार्ड्स डेफिनेटली हेल्प एन आर्टिस्ट टू डू बेटर टू परफॉर्म बेटर
and it's an opportunity where you can definitely come out and show the world that you know, you have that talent, you have that quality that makes you the best. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है ऑलमोस्ट. आपकी अगर जर्नी की बात करें, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे, अगर थोड़ा सा उनको इंस्पायर करने के लिए आप बताना चाहें कि कैसे आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं. आई थिंक ईमानदारी बहुत ज़रूरी है. जो भी काम आप करें, आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ. यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू यू नो, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू. आई थिंक ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी चीज़ों में एक साथ वो घुसे होते हैं. तो बी फोकस्ड, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, नो व्हाट योर एम इज, एंड देन वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, एंड बी इंटेलिजेंट. अभी तो फिलहाल आई एम ट्रैवलिंग, होस्टिंग शोज इन इवेंट्स, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. सो लेट मी सी, अभी जैसे चीज़ आगे बढ़ती है तो आप लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाएगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. चाहेंगे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं एफएनएक्स के, क्या कहेंगे सर, क्या इंस्पायर किया आपको इस तरह का अवार्ड शो होस्ट, मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए? अगर थोड़ा बताएं आप इस अवार्ड शो के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई इस अवार्ड की. एक्चुअली ये मुंबई का जो हमने फर्स्ट इवेंट किया ऑर्गेनाइज, तब जाके हमें कुछ सपोर्टिव की ज़रूरत पड़ी. तब जाके हमें फर्स्ट सपोर्टिव इंसान ये मिले कि उनसे हमें थोड़ा इंस्पायर हुए और ऐसा लगा कि हम आगे जाके बड़ा इवेंट हम कर सकते हैं. और तब हमें इंस्पिरेशन मिला सर से और हम आगे जाके सर के साथ और जुड़ने वाले हैं सोसाइटी को. सर का हमारे साथ सपोर्ट रहे, बस यही हम उम्मीद कर सकते हैं. एंड ही विल बी होस्टिंग इवेंट ऑन मार्च 8th वुमेंस डे. ही इज द वन एंड ही विल बी रॉकिंग इट. Aman thank sir, you, thank kitna you. Enjoy karte aap is hosting ko, or especially well for me, you know, when I'm hosting an event, it is not something that I feel it's a job that I'm doing, it's work for me. I feel that I'm completely at ease. I love interacting with people, I love being on stage, I love to bring out humor and laughter when I'm interacting with people, when I'm talking to people, so that comes very naturally to me. To mere liye mujhe aisa lagta hai ki main बहुत खुश हूँ इस चीज़ को करने में. एंड सो इट्स एब्सोल्युटली नॉट वर्क फॉर मी, एंड इट्स समथिंग लाइक ब्रीदिंग. जैसे आप सांस लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे सांस लेता हूँ. आप लोगों से जानना चाहूँगा, चैरिटी भी होने वाली है इसके साथ, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताएं कि किस तरह की चैरिटी होने वाली है. एक्चुअली ये चैरिटी हम NGO फाउंडेशन स्नेह फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनका नाम है हीना रावल. वो पूरा हमारा जितना भी इवेंट्स होता है उनके साथ हमेशा एसोसिएटेड रहती है. तो आगे जाके भी हीना रावल से हमारा और भी ताल्लुक बढ़ा है, तो हम आगे जाके उनसे और भी चैरिटी मिले और ऐसा कुछ काम हो वो हम आगे जाके करना चाहेंगे. थैंक यू.